गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अभी फिलहाल को मेरा तो ये मानना है कि प्रोफेशनली ये गाँव हॉस्टल शुरू होनी चाहिए और उसको इस प्रकार से उपयोग में लाना चाहिए। हमारे देश की इतनी बड़ी परंपरा, वेद काल से हम गाय माता को कुछ नहीं मान रहे, वेदों में गाय का जिक्र किया, वहां से लेकर अभी तक वो गाय माता हमारे साथ खड़ी है, सभी प्राणियों का कल्याण। ये देश भगवान महावीर का देश, इन्होंने अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया को, जियो और जीने दो का स्लोगन उन्होंने दिया। भगवान श्री कृष्ण ने गाय का पालन किया और उसी समय से, उस समय उन्होंने कोऑपरेटिव बनाया ग्वालों का और वहां से उन्होंने टैक्स भी लगाया था, जो मथुरा में जाने का वो लोगों का गाने में सारा लोग गाते हैं, तो उसी समय से ये सारा कारोबार चल रहा है। अभी उनको अच्छे तरीके से करने से, और भारत सरकार ने अभी हमारे विभाग की ओर से एंटरप्रेन्योरों को मदद करने की योजना बनाई, इसमें हम आपको ब्रीडिंग के क्षेत्र में, बॉर्डर के क्षेत्र में, यहाँ हम गए थे तो बहुत ही अच्छा हरे चारे को मिक्स करके बॉर्डर बनाने का उपक्रम यहाँ गौशाला में हमने देखा। तो इस प्रकार से पूरे राज्य में इसके बंदोबस्त के लिए और इसी प्रकार से पूरे देश में भी, आपके पास तो पराली का बहुत बड़ा सवाल भी है, उसको जलाने का चल रहा है, उधर चारे की कमी चल रही है, इस दोनों को मिलाकर हमें कोई रास्ता ढूंढना चाहिए और उसी में भी हमारी सरकार की कोई मदद की आवश्यकता होगी तो सरकार